ग्राहकों को लुभाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों की ओर से एक से एक प्लान की पेशकश की जाती रही है, जिससे कि ग्राहकों का भरोसा भी बना रहे, फिर चाहे वो जियो हो या फिर एयरटेल और वोडाफोन ही क्यों ना हो। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे प्लान्स के बारे में जिनमें बहुत कुछ खास है। अब बिना किसी डेली डेटा लिमिट के प्लान्स भी टेलीकॉम कंपनियां देती हैं। जियो, एयरटेल और वीआई कई ऐसे प्लान्स ऑफर कर रहे हैं जो बिना किसी डेली डेटा लिमिट के आते हैं। इन प्लान्स में रेगुलर प्रीपेड प्लान की तुलना में कम डेटा मिलता है, लेकिन वैलिडिटी ज्यादा रहती है। इस वजह से अगर आपको ऐसे प्लान्स चाहिए जिसमें बिना किसी डेली लिमिट के इंटरनेट को यूज कर सके, तो आपके लिए यहाँ पर जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के प्लान्स उपलब्ध हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर इनमें क्या कुछ खास है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एयरटेल के प्लान से, जिसकी कीमत है ₹456। इसमें वैलिडिटी है 60 दिन की, अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा है ही, 100 SMS भी आपको फ्री में मिल रहे हैं। इसके अलावा प्राइम वीडियो का मोबाइल एडिशन हेलो ट्यून्स फ्री है और विंक म्यूजिक भी फ्री है। ₹100 का फास्टैग भी फ्री में दिया जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं जियो की, क्योंकि जियो हमेशा से ही ऐसे प्लान्स लेकर आती रहती है जिससे कि यूजर्स का फायदा ही फायदा हो। जियो के प्लान की कीमत है ₹447। इसमें वैलिडिटी है 60 दिन की, अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा है, 50 GB डेटा है, जियो एप्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। अब सवाल कि आखिर वोडाफोन आइडिया की ओर से क्या कुछ ग्राहकों को दिया जा रहा है। अगर वोडाफोन आइडिया की बात की जाए तो ₹447 का प्लान है। इसमें वैलिडिटी 60 दिन की है, कॉलिंग अनलिमिटेड है, 50 GB का डेटा है, 100 SMS बिल्कुल फ्री है, साथ ही साथ VI मूवीज और TV का भी एक्सेस बिल्कुल फ्री है। इस प्लान के साथ डेली डेटा कैप नहीं होने की वजह से यूजर्स पूरे डेटा को वैलिडिटी पीरियड के दौरान कभी भी यूज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हर कंपनी की ओर से कुछ ना कुछ खास दिया जा रहा है। यूजर्स अपने हिसाब से प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं कि कौन सा प्लान उनके लिए बेहतरीन है। अगर बात करें तो ये सारे तो प्रीपेड प्लान है, लेकिन पोस्ट पेड में भी कंपनी की ओर से अलग अलग तरह के प्लान्स की पेशकश की जा रही है। पोस्टपेड यूजर्स के लिए कुछ अतिरिक्त फायदे भी दिए जा रहे हैं, लेकिन ध्यान यहां पर यह रखना होगा कि आप जिस भी प्लान को ऑप्ट कर रहे हैं उस प्लान की पूरी जानकारी आप अच्छे से ले लें। अगर आप किसी दूसरे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से जुड़े हैं और पोर्ट करना चाहते हैं, तो उससे पहले भी आप सावधानी पूर्वक सारी डिटेल्स जान लीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप नंबर तो पोर्ट कर लें, बाद में आपके लिए कुछ मुसीबतें आ जाए। न्यूज़ तक ब्यूरो।